5.7 कर रहे हैं बच्चों, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। देखिए 5.7 के अंदर हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो डबल डेरिवेटिव है, यानी दो बार अवकलन करना, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस के अंदर है हमें प्रूव करना होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? वाई बराबर है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 3x प्लस में 2। हाँ जी, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, पहली बार जब अपने अवकलन करते हैं उसको लिखा जाता है dy बाई dx, या लिखा जाता है वाई वन, या लिखा जाता है बच्चों वाई डैश, या लिखा जाता है एफ डैश एक्स। यानी ये पहली बार हो गया 2x प्लस में 3, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3। ठीक है, 2 का 0 हो गया क्योंकि प्लस में कॉन्स्टेंट है वो। अब जब दोबारा अपने करेंगे इसका, ये पहली बार डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर दोबारा अपने इसका डिफरेंशिएशन करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे लिखा जाता है बच्चों एफ डबल डैश एक्स, या वाई डबल डैश, या वाई टू, या डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो 2x का किया तो 2, 3 का करेंगे तो वो 0, क्योंकि 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो एज इट इज रहता है, और ये प्लस में 3 का क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अगली बात समझ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों x की पावर 20, सामने देखो सभी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों y बराबर एक्स कोस एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास y बराबर लोग एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों y बराबर एक्स की क्यूब लोग एक्स। हाँ, डबल डेरिवेटिव मेरे भाई, कोटी मतलब डेरिवेटिव। अब स्वेटर से तो होना है सेरा कोटी का मतलब, ठीक है। हाँ तू ही बोल रहा है, तू ही बता रहा है, सब कुछ तू ही कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर कोटी सारा बोल दिया तूने, स्वेटर नहीं होती बस कोटी। ये 19 आगे आ जाएगा, 380 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे ना तो यू इंटू वी लगेगा, एक्स का एक कोस एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। अब जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इस कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स हो गया, लेकिन इसमें डबल डेरिवेटिव लगाने से पहले यू इंटू वी तो लगेगा, लेकिन ये माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा लिया। अगर वो प्लस में होता ना फिर कोई दिक्कत नहीं होती, यू इंटू वी डायरेक्ट लग जाता, लेकिन माइनस पहले बाहर लगाना पड़ेगा। आप करोगे एक्स का एक साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज साइन का क्या हो गया कोस, ये माइनस के साइन एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस के साइन माइनस के साइन माइनस के टू साइन एक्स माइनस में एक्स कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। लोग एक्स का एक बटे एक्स डबल डेरिवेटिव, एक बटा एक्स का माइनस में एक बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। परसों बताऊंगा, ठीक है, क्या हिसाब लगा लेना सभी अपना अपना, और घर पे कह के आना कि हम किसी भी हालत के अंदर आ सकते हैं, हमको बचा लेना, ठीक है। हैं, पहुंच तो जाओगे कैसे ना कैसे करके। एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर लोग एक्स एज इट इज प्लस एक्स की क्यूब एज इट इज लोग एक्स का 1 बटे एक्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन, 3x स्क्वायर लोग एक्स। इसको पहले समोसे खिला देते हैं अपने, ठीक है, सस्ती बात कर देंगे, पहले समोसे खिला देते हैं। तेरे कितने खाने हैं, औकात कितनी है? वही बहुत है, एक में ही बहुत हो जाएगी। इसको टेस्ट वाले दिन समोसे खिलाएंगे, और इसके हिसाब से नहीं खिलाएंगे, अपने खिलाएंगे विद चटनी, मिर्ची वो अफ्रीका वाली मंगवाएंगे। अब ध्यान से देखो डबल डेरिवेटिव, अब सामने देख ले तू, आज खिला दिया, संडे को आया नहीं, हमारा तो समोसा गया। इसमें यू इंटू वी लगाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का 2x लोग एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लोग एक्स का बच्चे 1 बटा एक्स, एक्स से एक्स कट गया, और इस एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों 2x, ठीक है। नहीं ये ऐसे 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का बच्चों कर देते हैं पहले 2x लोग एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लोग एक्स का 1 बटे एक्स, एक्स से एक्स काट दिया, ठीक है।
प्लस इस एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों 2x, इस 3 को अंदर ले आओ, 3 टू जै 6 एक्स लॉग एक्स प्लस में 3x, और ये 2x है बच्चों, इसमें प्लस हो जाएगा 5x, तो ये क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। अगली बात समझ, इसको भी डाल दिया अंदर क्या, हाँ अंदर वाली अलजेब्रिक कैलकुलेशन तो करेंगे ना, 3 को x किया 3x, और ये 2x पहले से पढ़ा था 5x। अगली बात समझे, इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद है हमारे पास, कहां पहुंच गया, दोबारा स्टार्ट कर दी, क्या बात है, एक ही एक्स साइन 5x, सातवां है बच्चों y बराबर एक ही 6x cos 3x, आठवां है बच्चों हमारे पास y बराबर tan इनवर्स x, नौवां है y बराबर log log x, हाँ जी इसमें बच्चों u इंटू v लगेगा, पहले dy बाय डी एक्स, एक ही एक्स का एक ही एक्स साइन 5x एज इट इज, प्लस एक ही एक्स एज इट इज साइन 5x का cos 5x, 5x का 5, डबल डेरिवेटिव, ध्यान से देखो, एक ही एक्स साइन 5x में फिर से u इंटू v, एक ही एक्स का एक ही एक्स साइन 5x एज इट इज, प्लस एक ही एक्स एज इट इज साइन 5x का cos 5x, 5x का 5, इसमें बच्चों u इंटू v लगेगा, तो पहले ये जो बाहर वाला 5 कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर अब इसमें लगाते हैं, एक ही एक्स एज इट इज, एक ही एक्स का एक ही एक्स cos 5x एज इट इज, प्लस एक ही एक्स एज इट इज cos 5x का माइनस के साइन 5x और 5x में 5, ठीक है। अब बच्चों ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव, ये एक ही एक्स साइन 5x एज इट इज, ये 5 एक ही एक्स cos 5x, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 एक ही एक्स cos 5x, 25 एक ही एक्स साइन 5x, एक ही एक्स साइन 5x, और ये 25, तो माइनस में 20 हो गया, सॉरी हाँ 24 हो गया, एक ही एक्स साइन 5x, ये 5 और 5 ये कितना हो गया बच्चों 10, एक ही एक्स कोस 5x, 10 और 24 दो के पाड़े में आते हैं, एक ही एक्स कॉमन आ रहा है, 5 कोस 5x माइनस 12 साइन 5x, ये बच्चों इसी की तरीके से हो जाएगा सेम, ठीक है, ये कर लोगे, u इंटू v लग जाएगा दो बार, y का कॉमन नहीं आ सकता क्या, किसमें पहले कॉमन नहीं लेना, पहले दोनों के स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद कॉमन आएगा, ठीक है, जो सेम स्टेप बनते हैं उनकी कैलकुलेशन होती है ना, ये एक ही एक साइन 5x और ये भी एक ही एक साइन 5x वाले स्टेप है, ये दोनों स्टेप सेम है, तो ये एक है ये माइनस का 25 है, माइनस के 24 ये सेम है, तो ये 10 हो गया, ठीक। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, ये 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का क्या होता है, या तो u अपॉन v लगाओ, लेकिन u अपॉन v में जब u जो है वेरिएबल ना हो तो 1 बाई एक्स के जैसे बिहेव करता है क्वेश्चन, सही बात है, पहले क्या होगा माइनस में 1 बटे एक्स का माइनस 1 बटे एक्स का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, क्या आएगा 2x, समझ रहे हैं बात को, dy बाय dx log log x, पहले बाहर वाले log का 1 बटे log x, फिर अंदर वाले log x का 1 बटे x, ये क्या 1 बटे एक्स का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है ना, होता है, कल जाके तू कौन सा पढ़ाया जो तुझे पता हो, नहीं पढ़ा ना, थोड़ा सा मतलब 100 ग्राम पाइयो, पांच मिनट पांच तक कर ली, और तुझे ये नहीं पता 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
चलिए ये बता दे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sec x का अवकलन बता दे। बस मुझे तो पता ही था, मैं तो बस कंफर्म तेरे को करवा रहा था कि तेरे साथ क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव sec x tan x होता है, sec x का sec x tan x। तेरे पास तो चल बहाना है अभी शादी से पहले तक, उसके बाद कोई बहाना नहीं बचेगा तेरे पास। अपॉन वाले का स्क्वायर, ये भी मैं 1/x लगा सकता था इसमें, u अपॉन v, तुम्हारे लिए नहीं लगा रहा बस, ठीक है, तुमको बुरा ना लग जाए। u अपॉन v याद किया था क्या, क्या होता है शांति रख, ऊपर ऐसे नहीं लगता कभी, जो फ्रैक्शन है तो u अपॉन v ही लगता है। अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया, और ऊपर वाले का जीरो, वन का जीरो, फिर माइनस, ऊपर वाले वन को छोड़ दिया, लॉग एक्स इंटू एक्स का करना है। हाँ सही कह रहे हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स में यू इंटू बी लगाया, पहले लॉग एक्स का 1/x, ये एक्स एज इट इज प्लस लॉग एक्स एज इट इज और एक्स का वन, एक्स से एक्स कट गया तो डबल डेरिवेटिव आ गया बच्चों, ये तो जीरो हो गया, माइनस वन प्लस लॉग एक्स, ये लॉग एक्स, ये एक्स पहले लिख दो ऐसे, ये स्क्वायर, इसे नोट कर लो, नोट कर लो इसे, हाँ हाँ जीरो, ये जीरो है। हाँ इसमें बच्चे सीधा ये देख कि 1/x है सारा, है ना, माइनस 1/x का स्क्वायर आ गया ना, ठीक है, फिर इसका करेंगे u into v लगा के, वही तो किया था देख, इधर वाला तो जीरो ही हो जाता है पहले से साथ में देखा। हाँ x log x हो जाएगा, हां ठीक है, 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर, फिर इसका करेंगे u into v लगा के जो यहाँ की है, हाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा आगे, चेन रूल है ना, मल्टीप्लाई में चलता आगे। y बराबर साइन लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया बच्चों हमारे पास, साइन थीटा का कोस थीटा और लॉग एक्स का 1/x। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको पहले सिंपल सा लिख लो ऐसे, कोस लॉग एक्स बटे में एक्स, अब यू अपॉन वी लगाएंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, बटे वाले का स्क्वायर, बटे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का कोस थीटा का, कोस थीटा का माइनस में ये साइन और ये इसका थीटा है, फिर लॉग एक्स का 1/x, इस एक्स से ये एक्स कट गया, फिर माइनस कोस लॉग एक्स एज इट इज और एक्स का करेंगे 1, तो बच्चों ये बन गया हमारे पास माइनस के साइन लॉग एक्स माइनस कोस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, बस यही आंसर है, माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज यही आंसर है। हाँ जी हाँ है, नहीं 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 टेस्ट में नहीं है। हाँ जी 11वां क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, अभी तक तो वार्म अप था, ठीक है ठीक है, अभी तक वार्म अप था। 11 नंबर क्वेश्चन में बच्चों फंक्शन दिया है वाई बराबर 5 cos x - 3 sin x, प्रूव क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई बराबर जीरो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा बड़ा, ठीक है हाँ जी, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, क्या हो गया, कुछ मांग रहा होगा, ये दिक्कत है इनकी, पेन खत्म हो गया होगा, कुछ मांगने लग गया होगा, चल गया क्या, प्रूफ सामने देखो, ये फंक्शन है, यहाँ से ये प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव प्लस वाई बराबर क्या आएगा, जीरो, तो जो वाई आपको दे रखा है 5 cos x - 3 sin x, तो dy बाई डी एक्स आया बच्चों
पाँच तो कॉन्स्टेंट है कोस एक्स का माइनस में साइन एक्स, माइनस में तीन साइन एक्स का कोस एक्स, डबल डेरिवेटिव। माइनस पाँच कॉन्स्टेंट है साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस तीन कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस कॉमन ले लो, पाँच कोस एक्स माइनस में तीन साइन एक्स। और अगर आप ध्यान से देखो समीकरण एक से इसका मान में वाई रख सकता हूँ, तो डबल डेरिवेटिव ये माइनस वाई इधर आके क्या आ गया बच्चों, प्लस में वाई बराबर जीरो। अगली बात समझ, तो ये कंप्लीट हो गया। जब भी यूट्यूब से पढ़ो, जिंदगी में कभी भी ऐसे मत करना कि यूट्यूब पे देखा और वीडियो ख़त्म होगी और सब कुछ ख़त्म, ऐसे कभी नहीं पढ़ा जाता। यूट्यूब पे जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास बुक और नोटबुक होनी चाहिए प्रॉपर, और आपको लिखना है। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पॉज करो वीडियो को और लिखो उसे, ताकि आप जब रिवीजन करो तो दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़े आपको। दोबारा वीडियो देखोगे गाड़ी वहीं आ जाएगी घूम के। आपने जो लिखा है नोट्स जो बनाए हैं उसकी रिवीजन करने में आपको अगर 10 मिनट लगेगी, तो वीडियो वो एक घंटे की थी। एक घंटे की वीडियो देख के आप 10 मिनट के अंदर सारा का सारा रिवाइज कर सकते हो अगर आपने लिखा है तो। जैसे कोई एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की वीडियो से, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट करने में कम से कम आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा लग सकता है वीडियो के अंदर, क्योंकि वन बाय वन हमको समझना होता है। लेकिन एक बार जब हमने नोट कर ली तो दोबारा नोटबुक से रिवीजन करनी है, ऐसे नहीं कि यूट्यूब से फिर से वीडियो स्टार्ट कर दी अपने देखने के लिए। तो नोटबुक से करोगे तो 10 मिनट में या 15 मिनट में वो रिवाइज हो जाएगी। एक घंटे की वीडियो का काम 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। कभी भी वीडियो देखो तो ये रूल है हमेशा पढ़ने का कि नोट करना ही करना है। कोई भी टॉपिक हो, अगर जियो का पढ़ रहे हो तो भी, हिस्ट्री का पढ़ रहे हो तो भी, पीसीएम फिजिक्स का पढ़ रहे हो तो भी, केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो तो भी, अगर आप नोट नहीं करते तो समझ लेना आपका देखा हुआ क्या है, एकदम जीरो है। वो दो दिन तुम सोचोगे कि मैंने टॉपिक देख लिया, मुझे पता है इस टॉपिक के बारे में। पता होना और उसको एग्जाम तक पहुँचाना और वहाँ पर लिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पता होने वाली चीज़ दो दिन बाद अपने भूल जाते हैं। जैसे तुमने बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, आज तक हजारों देखी होगी, आज तक याद थोड़ी है अपने को। या एजुकेशनल से रिलेटेड भी बहुत सारी देखी, इंटरटेनमेंट तो वैसे ही याद नहीं रहता, एजुकेशन से रिलेटेड अगर देखी है, अगर नोट्स नहीं बनाए उनके साथ के साथ तो वो जीरो है। इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखना। आगे बात समझ, तुम्हारे हाथ से तुम्हारे चैप्टर्स जितने भी है वो नोट्स बने होने चाहिए। डिफ्रेंशिएशन जैसे हो गया, तो वो जब वीडियो देख रहे हो तो साथ के साथ नोट्स बनाओ। तुम अपनी स्टडी के साथ लापरवाह मत होना, ठीक है क्या? आगे बात, तुम जैसे मर्जी हो, भले अच्छे हो भले बुरे हो, लेकिन तुम खुद के लिए अच्छे रहना। कौन सी प्रश्नावली? अच्छा बोल भाई, बराबर सर बारे में भी अप्रैक्ट था। हाँ दे, कोस इनवर्स एक्स और प्रूव करना है बच्चों, सामने देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को वाई के पदों में ज्ञात करो। ध्यान से देखना, सामने देख, वही तो करेंगे अभी। डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मैं तुम्हारे लिए यू अपॉन वी लगा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं वन बाई एक्स लगा देता। नहीं, अपॉन वाले का स्क्वायर तो रूट हट गया, ठीक है, अपॉन वाले को छोड़ दिया और वन का हो गया जीरो, माइनस बाहर लिखा हुआ है, वन का जीरो माइनस, वन को छोड़ दिया। इसका करेंगे तो एक बटे दो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ठीक है, ये टू से टू कट गया बच्चों, बाहर वाला माइनस एज इट इज। अब ध्यान से देखो, ये पोर्शन जीरो, ये माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस और बाहर माइनस है तो माइनस, बाहर वाला माइनस, ऊपर रह गया एक्स, नीचे एक, तो ये है एक ही है, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, ये एक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी बच्चों, थ्री बाई टू, कल परसों एक क्वेश्चन किया था, समझ गए। ये पावर आधी है, जैसे ये दो रूट दो को अपने लिख सकते हैं ना, दो की पावर तीन बटे दो,
ऐसे ये रूट में है, ये वन है। अब बच्चों वो कह रहा है ये जो है ना क्वेश्चन, इसको वाई स्टेप्स में लिखो, वाई के स्टेप्स में या वाई के पदों में। तो आप यहाँ से एक्स का मान निकाल लो, क्या आ गया कोस वाई। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, कोस वाई, ठीक है। ये कोस इनवर्स उधर चला गया, वन माइनस कोस स्क्वायर वाई की पावर तीन बटे दो माइनस कोस वाई एज इट इज, वन माइनस कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई पावर है थ्री बाई टू, दो से दो कट गया, माइनस में कोस वाई बटे में साइन क्यूब वाई। कोस बटे साइन क्या हो गया बच्चों, एक तो हो गया कोट, ठीक है, एक बटे में साइन स्क्वायर रह गया, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर वाई। तो ये देखो जो डबल डेरिवेटिव है वो वाई के स्टेप्स में है, कोट वाई वाई के स्टेप्स में, कहीं भी एक्स नहीं है, ठीक है। क्या क्या किया, कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन बटे में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यू अपॉन वी लगा दिया। अगर आप यू अपॉन वी ना लगाना चाहो देखो फिर कैसे होगा, देख ले, बाहर वाला माइनस एज इट इज, ये एक बटे एक्स है क्योंकि यू में वेरिएबल तो है नहीं, एक बटे एक्स का माइनस में एक बटे में ये जो एक्स है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा एक बटे एक्स का। अब इसका तो करना ही है रूट एक्स का, एक बटे दो रूट एक्स, और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का टू एक्स, ये दो से दो कट गया, ये पावर आधी है, ये एक है, तो क्या होगी थ्री बाई टू, ठीक है। और ये माइनस है, ये माइनस है प्लस, और ये माइनस माइनस, और ये एक्स ये रहा, क्या एक बटा एक्स का कौन सा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों करता हूँ, एक बटा एक्स होता है बच्चे एक्स की पावर माइनस वन, इसमें पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है, तो माइनस एक से एक और कम होगी तो माइनस दो, और ये माइनस एज इट इज, ये एक बटा एक्स एक्स की पावर माइनस, तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। पचास रुपये और जोड़ लेना, ये क्या है वाई टू है, स्क्वायर ऊपर लगती है सिर पर, y2 यानी डबल डेरिवेटिव, ये क्या है y1 यानी सिंगल डेरिवेटिव dy by dx। दिस मीन्स हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव चाहिए और सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। देखिए ध्यान से, y है बच्चों हमारे पास 3 cos log x प्लस में 4 sin log x dy by dx, थ्री कॉन्स्टेंट है, कोस थीटा का माइनस में साइन ये थीटा, और लोग एक्स का क्या हो गया बच्चों वन बाई एक्स, प्लस फोर साइन लोग एक्स का कोस लोग एक्स, लोग एक्स का बच्चों वन बाई एक्स, ये एक्स बच्चों एलसीएम आके इधर भेज देता हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस में थ्री साइन, इसका थीटा लोग एक्स है, कोस का थीटा भी लोग एक्स है। अब फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ बच्चों, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स में u इंटू वी लगेगा, x का वन डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसा, या पहले x को लिख देता हूँ एज इट इज, इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस x का वन और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इधर माइनस का थ्री साइन थीटा का कोस थीटा, और लोग x का वन बाई एक्स, कोस थीटा का माइनस में साइन थीटा, लोग एक्स का वन बाई एक्स, ये एक्स जो है फिर से एलसीएम आके इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई प्लस एक्स डी वाई बाई, इन दोनों स्टेप में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तीन कोस लोग एक्स, चार साइन लोग एक्स, ये जो स्टेप है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर माइनस तीन वाई, ये क्या है वाई तो है, इसको उठा के इधर ले आओ, बराबर में आ गया जीरो। हाँ ये थ्री नहीं आएगा तो प्लस वाई, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रूव हो गया, बिल्कुल आसान है, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाए इस बात पे, वाई बराबर ए की एम एक्स प्लस में बी
ए की एन एक्स, प्रूव क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एम एन वाई बराबर में जीरो, ये प्रूव करना है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माथे के हाथ नहीं लगाते। हाँ जी देखो प्रूफ, जो आपको y दिया है बच्चों a e की एम एक्स प्लस में b e की एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से देखना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, a कांस्टेंट है, a की एम एक्स का e की एम एक्स, एम एक्स का m प्लस b e की एन एक्स का e की एन एक्स का n। अब डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एम ए तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में एज इट इज, ई की एम एक्स का ई की एम एक्स, एम एक्स एम एक्स का एम, ई की एन एक्स का ई की एन एक्स का एन, ये जो दोनों वैल्यू है इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, कई बार तो यहीं से बन जाते हैं फंक्शन, कई बार पुट करने होते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग कंडीशन होती है, और जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं काफ़ी कुछ, तो अपने को ऑटोमेटिक पता चलने लग जाता है कि ये यहीं से पॉसिबल है होना या पुट करके होगा। जैसे यहाँ से अभी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो मैंने ये जो दोनों वैल्यू निकाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, जीरो हो जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एम एन इंटू वाई, तो जो डबल डेरिवेटिव ये रहा, एम स्क्वायर इंटू ए ई की एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू बी ए की एन एक्स प्लस सॉरी माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, एम ए ई की एन एक्स सॉरी एम एक्स प्लस एन बी ई की एन एक्स, और बच्चों प्लस में क्या है, एम एन इंटू वाई, वाई वो रहा ए ई की एम एक्स प्लस बी ई की एन एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों हमारे पास ये वाला स्टेप सेम, एम स्क्वेयर ई ई की एम एक्स एन स्क्वेयर बी ई की एन एक्स, ये माइनस का एम इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना, माइनस का एम स्क्वेयर ए ई की एम एक्स माइनस का एम एन माइनस एम को इससे करूँगा तो एम एन बी ई की एन एक्स, और अब इस एन को करूँगा एम माइनस के एन को इन दोनों से माइनस के एन एम ए ई की एम एक्स माइनस के इसे करूँगा एन स्क्वायर बी ई की एन एक्स, अब एम एन को इसे करता हूँ ए एम एन ई की एम एक्स बी एम एन ई की एन एक्स। अब ये सारे स्टेप कट रहे होंगे, ध्यान से देखो, एम स्क्वायर ए ई की एम एक्स ये माइनस में, एन स्क्वायर वाला बच्चों ये रहा माइनस में एम एन बी, ये रहा एम एन बी, ये इससे कट गया, ये आ गया जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई जीरो, तो बच्चों राइट हैंड साइड भी जीरो ही थी वैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई बच्चों राइट हैंड साइड। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों इजी है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे पहले किया था सेम, किसके जैसा है ये है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। 15वां जो है, 16वां देखो, हाँ देखो बच्चों, फंक्शन गिवन है e की वाई एक्स प्लस वन बराबर वन, क्या करना है हमें प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव जो है सिंगल डेरिवेटिव के होल स्क्वायर के बराबर है। तो पहले हम इसके अंदर e की वाई इक्वल लिख लेते हैं वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ठीक है, इधर ले आए एक बार, अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ,
हाँ यू इंटू वी लगा के भी कर सकता था, ठीक है। एक ही वाई का एक ही वाई और वाई का क्या हो गया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक बटा एक्स का माइनस में एक बटा ये जो एक्स है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैसे मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, क्या आ गया माइनस में वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एक ही वाई इधर आ गया। एक ही वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ फिर से, ये नहीं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वन अपॉन में एक ही वाई की जो वैल्यू क्या है, वन अपॉन में एक्स प्लस वन है ना, वन अपॉन में एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलग है, ये तो अलग है और ये एक ही वाई की वैल्यू बच्चों ये पुट कर दी वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ये ए कट गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया बच्चों हमारे पास, माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ठीक है। अब बच्चों डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये माइनस बाहर वाला एज इट इज, ये एक बटे एक्स है माइनस में एक बटा ये जो एक्स है इसका स्क्वायर, अगर आपको एक बटा एक्स पसंद नहीं है तो यू अपन वी लगाने ना, यही आएगा। तो ये बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इक्वेशन नंबर टू, अब जो डी वाई बाई डी एक्स है कहाँ, ये इसको इक्वेशन टू देता हूँ, इसको इक्वेशन थ्री दिए बच्चों। इस डी टू ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, ये डी वाई बाई डी एक्स है अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या यही बनेगा, यस सर यही बनेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही बनेगा। कर देते हैं, समीकरण दो का वर्ग करने पर बाय स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन सेकेंड, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ये बच्चों प्लस हो जाएगा और ये x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा, ये देखो इसके बराबर, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू के बराबर, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, यही आपको प्रूव करना था। देखो ये रहा डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर, डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट कर लो इसे, क्या x इंटू ई की वाई, इसमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा, x का एक e की वाई वैसे का वैसा, x वैसे का। इस ये वाला नोट करो, अच्छा है तो सामने देख ले, y बराबर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और बच्चों आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर जितना लोहा तेरे में है ना तो उतना यूज कर नहीं रहा, रोहित को कह रहा हूँ मैं, समझेंगे बात को, दोनों ही ये तो है ही, हाँ जितना लोहा तेरे में है ना तो यूज कर नहीं रहा और तेरे को करना चाहिए, लोहा बोले तो दिमाग शरीर इज्जत का तो पता नहीं, ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल मेन गेम है पोटेंशियल। इंसान सबसे ज़्यादा सीखता पता है कब है, जब वो अकेला रहता है और अकेला सोचता है तभी, जब वो है ओवर थिंकिंग, तो पहले साइड में निकालनी पड़ती है ना ओवर थिंक, क्यों नहीं नहीं यही तो फिर गेम है, जो इस गेम में जीत गया वो बस आगे बढ़ गया, गेम ही यही है। 99% जो लोग हैं वो अकेले होते हैं तो ओवर थिंकिंग के अंदर ही बड़े रहते हैं, तेरे साथ नहीं, मैं 99% कह दिया ना, तू 99% में आ रहा है, तेरे को 1% में आना है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ये किया जाता है कि आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। देख एक बार डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर का वजह, पावर आ गया कि 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का हो गया बच्चों 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये वाला स्टेप, इसके पास बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, दिस मीन्स ये 1 प्लस एक्स के डिवाइड वाला इधर ले आते हैं, ये 2 tan इनवर्स x एज इट इज, फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसमें u इंटू वी लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x dy by dx एज इट इज,
वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड वाला फिर से इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर इक्वल में टू। ये डबल डेरिवेटिव वाला स्टेप पहले लिख लेते हैं, सेम टर्म जब दो बार मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर बन जाता है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है ना, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाई टू, ये वाई वन इक्वल टू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बार आता है ये फाइनल एग्जाम में। डी वाई बाई डी एक्स पावर आ गया कि पावर एक कम होगी, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इधर ले आओ, फिर डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करो, u इंटू वी लगेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का फिर से करेंगे तो डबल डेरीवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू टू एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये डिवाइड वाला बच्चों इधर चला जाएगा, फिर ऑर्डर में वैसे ही रख दिया जैसे हमें प्रूव करना था, डबल डेरीवेटिव को वाई टू सिंगल डेरीवेटिव को वाई वन लिख दिया, और इसी के साथ अपनी ये 5.7 जो है बच्चों ये क्या होगी कंप्लीट होगी। आगे बात समझ।